महान उद्देश्य लेके आगे बढ़ल जा और जीवन में कोनो भी बाधा अड़चन आए ओके सामना करे सीखल जा। नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपकी स्वागत बा। बुद्धि समुदाय टेलीविजन पर कार्यक्रम में अगले बाटी रात ऐसे कैमरा पर्सन शंकर के साथ में थी। कार्यक्रम आप हर एक दिन ठीक इतने समय से देख सकल जा, जिनमें हमन के समाज में कोनो भी हमन के विकृति बा ओके हमारे चिरफार करे के लिए काकरे परी तमाने साधन सूत्र के बारे में हमारे जानकारी ले कोशिश करे के साथ में हमारे कोनो भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे के हमारे का करे परी और कोनो भी क्षेत्र में कोनो भी वर्ग के जौन व्यक्ति बाटे कोनो भी पेशा कर्मी बाटे और वहाँ के विचार भी हमारे आदान प्रदान करे के लिए हमारे प्रत्यक्ष से स्टूडियो में सहभागी करा के वहाँ से बाजी भी कर जाते। आज हमारे एक समाज सेवी के हमारे न्योता धर गिल हमारे वहाँ से लेके बातचीत कर जी तो इससे अब हमारे कहा जा हमारे कि समाज ऐसा हो गल बा कि जौन समाज के व्यक्ति बाटे जौन आम जनता बाटे वो सब आगे बढ़े के लिए तमाने मेहनत करत बाटे, फिर भी अब समाज के जौन अगुआ हमारे कहा जी के एक ठो लीडिंग करे वाला व्यक्ति जौन कि हमारे उ सबके एक ठो सामाजिक अभियंता कहकर चिन्ह जात बकिन का आजकल अब कितना जने बाटे एक ठो समाज सेवा के खोल ओढ़ के हमन की समाज में जौन जनता बाटे आम जनता बाटे जे निमुख जनता बाटे ओकर की आवाज़ बुलंद होके नहीं सकत बा, उ सबके एक ठो आँख में जोर दूर झोंके हो कि या अखन के दिमाग कोनो भी हिसाब से भरमा के हुई हर एक हिसाब से उस सबके पीड़ित बना बाटे ते हमारे जनता भी जौन उस सबके असल रूप हमारे पहचान कर नहीं सकल जाता, जिससे हमारे सदियों से पाछे के पाछे रह गल बा और जे आगे बढ़त बा यानी कि जेकर बोलबाला बा वो आगे बढ़ते जात बा यानी कि हर एक हिसाब से समान हो नहीं सकत बा, जे आगे बा आगे बढ़त बा और जे निमुख जनता बाटे ओकन के कुचल के वो सब आगे निकले सफल बाटे और जे कुचलैले में कुचला के सुत गिल बा यानी कि उठे नहीं सकत बा हरदम सुतले बा ते कि हमारे आगे बढ़ के लिए हमारे का करे परी और तमाने साधन और सूत्र के बारे में हमारे जानकारी देख साथ में ऐसे नहीं तमाने सफल व्यक्ति से और असल व्यक्ति से वहाँ तरीके हमारे बातचीत कर जाते। आज हमारे हम कह चुकल बाटी कि एक समाज से भी हमारे वहाँ के न्योता धर गल बा तमाने संस्था में आबद बाटी एक ठू बुफू हमारे विद्यालय कर्मचारी भी होने ऐसे नहीं तमाने संस्था में हमारे कहा जीते एक ठू राजनीतिज्ञ भी होने और हमारे असल हिसाब से कहा जी सही हिसाब से वहाँ एक समाज से भी होने हमारे वहाँ से लेकर बातचीत कर जी अति कार्यक्रम में हमारे वहाँ की स्वागत कर जाता। कार्यक्रम में आपकी स्वागत बा, धन्यवाद। हाँ जी आप बुद्ध टेलीविजन के संचालक राज चौधरी जी अतिशय हमारे जो आपके एक समाज सेवी के चिन्ह जाते हैं और आप तमाने संस्था में आबद्ध रह बा एक आप बुपू और जो विद्यालय की कर्मचारी के साथ में आप राजनीति की भी कह जाता है यानी कि राजनीति भी लगल गल बा ऐसे नहीं तमाने संस्था में आप आबद्ध रह बा ती जो एक समाज सेवा करे भावना आप में कैसन के जागल थे? ठीक बा, बहुत ही संदर्भिक प्रश्न आपने रखल गए। हम वास्तव में 29 साल एक ओम सतिया गांव पालिका स्थित जन जागृत माध्यमिक विद्यालय में पहले हम 6 महीना प्राविश शिक्षक के रूप में हम काम कैली। ओकरे बाद वहाँ के संचालक समिति के मित्र लोग हमार कार्यशैली हमार शिक्षा दीक्षा ये देख के विद्यालय में विद्यालय प्रशासन चलाए के लिए कर्मचारी का आवश्यकता बा वही हिसाब से हमें वहाँ विद्यालय कर्मचारी में नियुक्त कैलस जिसमें हम अटूट रूप से 29 वर्ष उप पेशा में हम संलग्न रहली। वही सिलसिला में जौन बा हम वास्तव में जौन आप कहल गए कि जनता तो जनता के जगाए के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यकता हो, ये एक ठू मार्ग हो अच्छा दिखाए के लिए। इसे हम उ पेशा में संलग्न रहली। वही सिलसिला में हमन के जौन आप कहल गए
इसे हम शुरू से विद्यालय कर्मचारी में के रूप में जब हमन के आयल गए उस समय राज्य से कौनो व्यवस्था ना रहे, हमें विद्यालय के अपन स्रोत साधन से विद्यालय के पीएन अकाउंटेंट कार्यालय सहायक ये लोग वही विद्यालय के कोष से निजी स्रोत के रूप में कार्यरत रहने जिसमें हमन के नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद एठू गठन भेल। उ गठन के सिलसिला में बहुत से आवाज़ भी आयल कि हमारे विद्यालय कर्मचारी आगामी दिन में हमन के भविष्य कहाँ जाई। उ विषय में बहुत गहन छलफल भैले के बावजूद उस संस्था के मार्फत हमन के कहल गए कि वास्तव में विद्यालय में 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो विद्यालय के वातावरण सफा सुघर बनाए के खातिर जो पीएन के अहम भूमिका बा, आज उ लोगन के व्यवस्था नहीं हुई तो आए वाला दिन में उनके पीढ़ी उनके बाल बच्चन के भविष्य कहाँ जाए। ऐसे राज्य में कौनो व्यवस्था ना भैले के नाते उस संस्था के मार्फत आवाज़ उठावल गए। उ आवाज़ के हमें एक नेपाल सरकार एठू समझौता कैले रहे, उस समझौता के तहत एठू आंशिक रूप में एक जौन हिसाब से होक चाहे उ व्यवस्था ना हो करके राज आर्थिक बोझ से पंछने के खातिर एक जौन एठू समझौता कैलस ओके भी हमारे मध्य नज़र रख के आगे बढ़ल गए जैमे आंशिक रूप में अभी तक दरबंदी के कौनो व्यवस्था नहीं बा। एहमें हम बहुत चिंतित बाटी कि नेपाल में जौन विद्यालय के जिससे देश के भविष्य आगे जाए उस संस्था के कर्मचारी के बारे में राजपक्ष से जौन एक ठोस कदम होक चाहे उ ना देखले से हम बहुत दुखित बाटी। आज भी मित्र लोगन से हम पूछीला कि का आप लोगन के व्यवस्था दरबंदी भइल कि नहीं भइल, लेकिन उ लोग कहने सर नहीं भइल। हम कहेला काहे नहीं भइल, ओकर आवाज़ उठावल जा, लेकिन ना उठैले के कारण आज उ जहाँ के तहाँ बा। बहुत हम दुखित बाटी कि आए वाला उ कर्मचारी के भविष्य कहाँ जाए, उ लोगन के कौनो वैकल्पिक उ बुद्धि नहीं बा। अगर जो लोग जो उन दिन 60 वर्ष नीति नियम तो फॉलो कराता लेकिन उनके व्यवस्था ना कैले के नाते उनके जीवन बहुत ही अंधकार बा। ऐसे जौन आप समसामायिक राजनीतिक शब्द जौन रखल गए बहुत ही संदर्भिक बा कि आज देश संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र संविधान जारी भइल, लेकिन ओकर अनुभूति यहाँ के जनता गरीब निमुखा जनता आज उ अधिकार से वंचित बा। आखिर काहे तो हम एक समाजसेवी बुद्धिजीवी के हिसाब से हम ई देखा तटी कि यहाँ पार्टी तो बहुत आई है लेकिन ईमानदार नेता के खाँचो बा। दूसरी बात ई 21वीं शताब्दी हो, अब पुरान हिसाब किताब से ये देश ना चली, एक सिस्टम में लायक पड़ी। सिस्टम के भी बहुत जरूरी बा। ऐसे हम यह कहब कि जब तक देश सिस्टम में ना आए, आज ही हम आवत के समय में जोन हम थोड़ा सा किसान के तरफ भी इंगित करा थी कि लगभग 10-15 दिन से पानी ना पड़ने को जैसे पूरी तराई अस्त व्यस्त बा। का राज्य की सोच ना हो चाहे दुर्गामी सोच की आवश्यकता बा। पानी के धनी देश नेपाल, आज सिंचाई के व्यवस्था रहत का आज उ जनता खुशहाली नहीं मनावत, लेकिन एहमे सरकार बिल्कुल मौन बा, उदासीनता
कौन एकदम उदासीन बा, ऐसे यहाँ के जौन गरीबी रेखा मुनि के जनता बा ओके उठले के लिए बहुत ही कठिनाई पड़ता। ऐसे हम बारंबार कहत चल आयल बटी कि कौनो भी राज एक छड़ी तो नहीं हो लेकिन एकर दुर्गामी सोच कैके ही आगे बढ़ले से अच्छा हुई, एकर भविष्य अच्छा भी हुई। लेकिन आज हम किसान के एक कहल जा तो हम विजय बहादुर सिंह थारू भूमिपुत्र हमन के कहल जाला थारू के, काहे से हमन के इतिहास बा कि हम वर्षों से जौन यहाँ के जमीन रहे उस जमीन के बहुत ही हमन के पुरखा लोग मलेरिया के रोग रहे वो के भी चिंता ना कई के लड़ाई लड़ करके एक उर्वरा भूमि के निर्माण कैले। आज उर्वरा भूमि निर्माण तो भइल लेकिन 21वीं शताब्दी में भी उ जहाँ के तहीं बा। ऐसे हम 70 साल में एकरे पहले तो हम नेपाली कांग्रेस में हमार राजनीतिक शुरुआत हो, काहे से हमन के पुरखा लोग भी पहले से ही राजनीति में नेपाली कांग्रेस ही में लगल हने। 2007 साल के क्रांति में हमार पिता वो कहत रहने कि यहाँ राणा लोगन के बहुत उर है, 7 साल में हमारे क्रांति कैल गए, वो क्रांति भी सफल भइल, राणा शासन भी अंत भइल। लेकिन वो कैले के बावजूद जब देश में बहुदलीय व्यवस्था भी आयल, जनता बहुत आशा भरोसा कैले रहे कि देश अब तेज गति में समृद्धि के तरफ जाई, लेकिन जनता उ किस्म के अनुभूति ना पैलस, ओसे जनता बड़ा उदासीन बा। हमन के जौन आज अवसर दहलने एक बुद्ध टेलीविजन में हम वहाँ के परिवार सबके हम अब बहुत खुशी भी बाटी, धन्यवाद दिमिति हल चाहते हैं कि आज हमन के वैसे जिसे अब हमन के ये राजनीतिक हिसाब से अजुन कह जी ते अब इससे पहले भी कह चुकल बाटी कि नेपाली कांग्रेस में आपके अहम भूमिका रहे, असग्रे भूमिका खेल जाती, ओकर बाद में ऐसे तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के भी आप जिला सचिव रह के काम कह चुकल बाटी। तो वैसे जौन राजनीतिक परिवेश में हमारे कहा जीते अब आजकल हमारे देखा जाता जौन अब कितना जौन व्यक्ति बाटे अभी अब और काम छोड़ के भी अब हर एक पेशा छोड़ के भी राजनीति में लागल बाटी। ते अब हमारे देखा जाता जौन जे भी राजनीति में लागत बा नेपाल के अवस्था हमारे देख के कहा जाता राजनीति में लागत बाटी, फिर भी अब ओखन के जौन जीवनशैली में परिवर्तन हो चुकत बा। अब कितना जने बाटी हर एक हमारे व्यक्ति के कहा जी अब 99 की अब 100 में हमारे 100% कहा जी जौन वह व्यक्ति की हमारे उससे पहले राजनीति में लगने से पहले हमारे देखा जाता कि एक ठू आर्थिक अवस्था भी एकदम न्यून रहे, फिर भी अब वहाँ लगने के बाद ओखन के जीवनशैली भर ना होके कि ओखन के जौन अफंत जन बाटें ओखन के अब नादवाद बाटें उस सबके भी जीवनशैली परिवर्तन हो चुकल बा। अब हरेक हिसाब से अब नौकरी के सिलसिला में भी उच्च पद में बाटें उस सब आयोग्य व्यक्ति बाटी भी उच्च पद में बाटें, ओकर बाद में अब ओखन के हरेक हिसाब से कहा जा आगे बाटें अब आर्थिक हिसाब से एकदम आगे बढ़ चुकल बाटें उस सबके अब 5 वर्ष ही राजनीति कर बाटी, फिर भी 5 वर्षक बाद ही ओखन के इतना आता संपत्ति कमा चुकल बाटें कि अब महंगा महंगा हमारे कार देखा जाता ओखन के जीवनशैली परिवर्तन हो गल बा, ओखन के लैके बाटें बाहर पढ़त बाटें ओखन के इतना ज़्यादा पैसा बा कि अब रखे वाला जगह भी ना होके उ सब नेपाल बाहर के और बैंक में भारत के बैंक में रखत बाटें। अब बकिन का जो हमन के समाज के अनुहार बा चेंज हो ना सकत बा, यानी कि परिवर्तन हो ना सकत बा, ते अब ऐसे एक लहर चलल बा ते अब एक विश्लेषक के रूप यानी कैसे एक राजनीति के कौन हिसाब से विश्लेषण कर जाए एक
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रखल गए। वास्तव में जनता एक विश्वास अजून कहल गए कि आज नेता लोगन के, तो वास्तव में नेता लोगन के जनता आजकल कौन विश्वास नहीं कराता। ऐसे नहीं विश्वास कराता कि जनता के सामने जो वाचा कहीं है, जो कहल गए कि कल की स्थिति का रहे, आज वो स्थिति कहाँ बा। वास्तव में एकर छानबीन होक चाहे, लेकिन जौन एठ आयोग भी बा, उ आयोग भी हम देखत हैं जौन हिसाब से ओके करे के चाहे, ओके संपूर्ण उ आयोग भी कहीं ना कहीं चुका था। वास्तव में अख्तियार के जो नियम बा, वास्तव में ओके ख्याल करे के चाहे कि संपत्ति कहाँ आए। ऐसन व्यक्ति लोगन के सशक्त कार्रवाई करे के चाहे, इ न कैले से आयोग के प्रति भी जनता बहुत चिंतित बा, कि बहुत से जनता के मुख से भी हम सुनल बाटी कि जौन छोट छोट भ्रष्टाचारी बाटे ओके आयोग फलेश कराला। जौन आप बकाल गए जौन अथाह संपत्ति विदेश में भी रखले बाटे, ओमें आयोग मौन बा, ओमें कौनो किस्म के जौन हिसाब से कार्रवाई हुई चाहे उन कैले से भी आयोग के ऊपर भी प्रश्न जनता करा था। ये हमार उनाई हो आम जनता के जवाब हो कि आयोग जौन हिसाब से करे चाहे। और दूसरी बात जौन आप कहल गए कि वास्तव में व्यवस्था तो ठीक बा, एक चीज़ के हमें खंडन भी करते हैं कि आज चुनाव बहुत महंगा, बहुत ही महंगा हो गई चुनाव। तो वास्तव में ये चुनाव जौन प्रत्यक्ष प्रणाली बा, एक तो वास्तव में खत्म होक चाहिए, प्रत्यक्ष नहीं पूर्ण समानुपातिक होक चाहिए। आ पूर्ण समानुपातिक जब होए तो हमें जौन आप लोग देखल जाता सौभाग्य कहल जा कि दुर्भाग्य कहल जा, नेता लोग जो जिम्मेवार पार्टी के नेता लोग भी अपन भाई भतीजा, अपन नाता गोता, अपन छोरा छोरी के ओके प्राथमिकता देता। तो ऐसे जौन ईमानदार सही कार्यकर्ता बा उस जगह पे नहीं पहुँच पावता, एक वजह से ये वितृष्णा जनता में दौन उदासीनता इच्छावता, ये जिम्मेवार हम केहू के नेता के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करब, जिम्मेवार जौन पार्टी के अध्यक्ष हों उ लगन से आग्रह बा कि ई चीज के छोड़ल जा, नया युग सुहाव दो, उ हिसाब से आप लोग आगे बढ़ल जा। जैसे आप राजनीतिक के विषय जोड़ने के नाते हम जौन 2072 साल भाद्र सात गते कैलाली के टीकापुर घटना जौन भेल, वास्तव में एकदम दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो, ओके हम निंदा भी करल चाहते हैं। लेकिन उ घटना के पश्चात जौन सरकार रहे, एक अधिकारी का आयोग बनौलस, उ आयोग लगभग एक महीना के दौरान टाइम समय लगा करके उन समय लगौलस, और जौन संसद हो उस संसद में आयोग प्रतिवेदन भी बुझौलस। आज हमरे कहल जाला लोकतांत्रिक गणतांत्रिक संविधान, लेकिन अब पता नहीं विजय चौधरी थारू के नाई मालूम बा लोकतंत्र के परिभाषा, कि उ नेता लोगन के नाई मालूम बा कि आज जनता जानल चाहता कि जौन आयोग वहाँ प्रतिवेदन बुझौले बा वो वास्तविकता का हो। लेकिन आज तक लगभग 5 वर्ष एक कार्यकाल यानी 5 वर्ष जौन संसद के कार्यकाल होला उ समाप्त के सीमा के नज़दीक पहुंच चुकल, लेकिन इस सरकार उ चीज जो संसद एक थलो हो कि जिसमें जनता जानल चाहता उ चीज भी लुकावल जाता। तो इसे जो राजनीतिक
नेता लोगन प्रति जौन जनता के जौन एठू आस्था हो चाहे वो जौन टूटा था ये एकदम वास्तव में सोचल जाता है दुर्भाग्यपूर्ण हो। इसे हम नेता लोगन से आग्रह करब कि अगर जो सही देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की जौन फॉलो कैल जा। कारण का हो आखिर जौन लाल जौन लाल आयोग के प्रतिवेदन रहे बहुत मीडिया पत्रिका में यह हमारी सुनल जा लाल आयोग के प्रतिवेदन, लेकिन अभी तक वो लाल आयोग के प्रतिवेदन का हो करे बारे में जनता अधिराज भर के जनता जानल चाहता, लेकिन आज वो चीज़ काहे लुकायल बा का यह लोकतंत्र हो। तो ऐसे जौन जनता एकदम निराशित बा हम आए वाला दिन में आ जनता भी चाहता देश जनता समृद्ध बनावल चाहता देश चाहे हिमाल हो चाहे पहाड़ हो तराई हो सब जनता एक आपस में मिलजुल के रहे के भी एकदम अग्रसर बा देश समृद्ध बने के भी आशा जनता कराता। लेकिन अब जनता यहाँ तक खोजी कराता ईमानदार जिस दिन ईमानदार नेता वो कुर्सी पहुँची वास्तव में हुई हमार बुझाई है बा आप जौन सांसारिक विषय में जौन कि इस तरीके से जनता के आशा भरोसा एकदम टूट चुकल बा तो नेता के क्रियाकलाप के ही कारण हो। हाँ तो वैसे नहीं इतना गृह बातचीत कर जाता आज हम लोग बैठे विजय बहादुर सिंह और थारू वैसे हमने के कैमरा पर्सन बाटी शंकर और हम राज आज हमारे बातचीत कर जाता समसामयिक विषय में जो उनके हमन के समाज में हमन के देश में हो रहा जो क्रियाकलाप गतिविधि के बारे में अति इसने अब हमारे जो अब हमन के जनता बाटी आम जनता बाटी अब हमारे कोनो भी नेता के कोनो भी पार्टी के हमारे चुनल जाता या हमारे व्यक्ति के चुन के वो सबके निर्वाचित कराल गए फिर भी हमन के कोनो भी पार्टी के कोनो भी जनता के कोनो भी नेता के हमारे निर्वाचित कर चुकले बाद भी हमन के समाज के अवस्था ज्यों के त्यों यानी कि पहले से और बिगड़ चुकल बा और हमन के जो देश के युवा बाटे वो सब बाध्य होके विदेश जाए के यानी कि विदेशिक बाध्य बाटे ते अब हमन के देश में सबसे बड़ी ते अब हमन के जो अपने भूल कर जाता वैसे नेता के हमारे चुनल जाता चुन के पढ़ाल जाता और हमारे सही व्यक्ति के नहीं चिन्ह सकल जाता ते हमन के जो युवा लोगन के होक पढ़ना भूमिका खेल पढ़ना भूमिका अब आप सब कितना देखल जाता बहुत बढ़िया जौन विदेश जौन वैदेशिक रोजगार में जौन दिन प्रतिदिन नेपाल के होनहार युवा जौन की विदेश में जाके बहुत ही अपन गुण के प्रयोग के लिए बाटे ये हम पत्र पत्रिका में भी देख ले बाटी, लेकिन ये सब जोन लाचारी बा वास्तव में जोन आज तक जोन सरकार में गैल पार्टी के जिम्मेवारी हो वास्तव में ये बहुत ही दुर्भाग्य हो। नेपाल के जौन युवा लोग दूसरे जगह में अपन श्रम के जौन देखावा तने उ किस्म के यहाँ भी नीति बनावल जा तो नेपाल कौनो भी उनाई बाकी संभव एकदम समृद्धि के ओर बढ़ चुकी, लेकिन सोच होए चाहिए। ऐसे हम पहले भी कहले कि अब हमहन के सिस्टम बदले पड़ी, जब तक सिस्टम नहीं बदल तब तक देश जौन स्थिति आज बा बिहान भी हुई ऐसे सिस्टम बदले के भी बहुत आवश्यकता बा। हम जौन आज बात हम रखा तटी हमार बात जौन बहुत से लोग मीडिया मार्फत सुनत हुई हैं तो हम यह कहब कि आशा रखल जा एक दिन समय आई समय बहुत हम एक छोट उदाहरण भी दिहल चाहते हैं
कि आपके जो अच्छा काम हुई ओके हमारे अच्छा कहा जी आपके देखल गए हो कि काठमांडू महानगर पालिका एक पहले भी हम काठमांडू गई बाटी घूमल बाटी बहुत से सड़क ना अवस्था बा कि वहाँ गाड़ी गाड़ी दौड़ली की स्थिति ना आई हुआ है लेकिन आज जो बालन शाह वहाँ के मेयर काठमांडू महानगर पालिका के जो नेठू एम्बुलेंस तत्काल कैसे कैल जा वो योजना लेने तो आज वह आवश्यकता बा देश में ऐसा ऐसा ईमानदार नेता की आवश्यकता बा तो देश आगे बढ़ी जो बुजुर्गा सोच के लोग बाटे वो लोगन के हम नया प्राविधिक नया सोच के साथ आगे बढ़े पड़ी और हम एक पहले भी अब केहू का हस्ताक्षेप तो ना दीहक पड़ी ना हम उ देहल चाहते लेकिन अभी पुरान मानसिकता के लोग भी रहले के नाते देश दिन प्रतिदिन पीछे जाता ओके भी परिवर्तन करे की आवश्यकता बा जब तक वो परिवर्तन ना हुई तो देश आगे ना बढ़ी यह कारण हो और हम विशेष हम केहू के नाम न लेकर के हम कैसम देखा तटी ये मेन कारण हो अब हम के नया के सोच के साथ आगे बढ़े पड़ी तब तो आशा भरोसा रखल जा कि एक न एक दिन नेपाली जनता सक्षम ईमानदार नेता के खोजिम बा सक्षम ईमानदार नेता इसी देश भीतर बहुत बाँटे कैसे हम पहले भी कह चुकली कि आपके विदेश में जाके यहाँ के जो युवा लोग अपन काम जो देखौले बाटे एकदम सराहनीय व पत्र पत्रिका में आवाला इसे हमारे भरोसा रखल जा जो दूसरे देश में इतना अच्छा काम कर सकें तो क्या वो अपने देश में नहीं कर सकें इसने हमन के जो समाज बा अब आज तक हमारे जो 21वीं शताब्दी बा फिर भी हमन के समाज जहाँ तक पुख हो वहाँ तक ना पुके उसे अब हमारे अब हर एक हिसाब से देख चीज़ के हिसाब से देखा जाता है हमन के समाज आगे बढ़ चुकल बा फिर भी हमन के समाज के जो विकृति विसंगति बा तमाने प्रकार के जो कुलत में फसल बाटे आज के युवा लोगन अब हमरे कहा जाते कमी व्यक्ति अब आजकल नहीं पढ़ल बाटे यानी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यक्ति बाटे शिक्षित बाटे फिर भी हमन के समाज के अवस्था ज्यों के त्यों बा यानी कि हमन के समाज की विकृति हटे नहीं सकले बा अब एक तरफ हमरे यदि पीछे लौट के देखल जाते फिर भी हमन के समाज के ऐसे तमाने विकृति विसंगति बा अब हमरे कितना जन व्यक्ति के देखल जाता कुलत में फसल बाटे आज के छोट छोट लड़का भी कुलत में फंस चुकल बाटे ओकर बाद में जौन अब बेटो और बेटियों के हमारे तुलना में कहल जी अते बेटो से ज़्यादा बिटिया पढ़त बाटी हमारे अब एक औसत में निकाल जीते अब ऐसे पढ़ने के बाद भी उस सब का होता कि जौन गरीब गरीब बाटी ओखन के आमदनी नहीं बा यानी कि आर्थिक स्थिति न्यून बा उस सब से अब बिटिया के पढ़त बाटे कौन से भी अब दुई हाथ मुख जोड़ के साँझ बिहान काम के बिटिया के पढ़त बाटे फिर भी ओखन के कोनो मूल्य नहीं रह गया बा यानी कि जब शादी होला शादी होय के समय होला ते उस सब के अब पहले जो आज के तुलना में दहेज हट गए बाकी हमारे कहा जाता बाकी एकदम एक गलत हो अब आजकल देखा जाते एक जो अब हमारे कमती में अब 12 पढ़ ले रही हैं ओकर बाद में विदेश जाइ हैं ओकर बाद में अब डिग्री पढ़ल या बैचलर पढ़ल लड़की से शादी करे खोजें फिर भी ओखन के एक बाइक चाहिए तो बाइक भी अब 3-4 लाख से ऊपर के बाइक मंगी है तो एक हमारे के विकृति हो तो जो एक अब अपन बिटिया के ओखन के जो अब दहेज धाले से पढ़ा लिखा देख ठीक हो कहके ओखन के अपने घोड़े पर खड़े आए सफल बाटे फिर भी ओखन के लास्ट में अंतिम में जाके बाध्य हो जात बाटे ये धन खर्च करे से ते में एठू का होला कि धन दौलत के ब्याह हमारे देखल जाता ते ये हटाए के लिए अब हमने के का कैसन कदम चाले का आवश्यक बाजी सन लागत बहुत ही आज के संदर्भिक प्रश्न आप रखल गए राज जी ये जो कहल जाता कि हमन के बाल बच्चा जो कुलत में वास्तव में बहुत से भी उदाहरण भी या बहुत से ये सब कमजोरी राज्य पक्ष के हो राज्य पक्ष जब कमजोर रही तो ये सब श्रेय पर ही बढ़ी इसे राज समय में
चेतनामूलक कार्यक्रम करे चाहे ओके। और जो कहा जाता कि आज घड़ी जो दाइजो प्रथा जेके हमारे दाइजो प्रथा कहा जाता वो वास्तव में ये बहुत ही गलत प्रथा हो। बहुत से लोग हम एक विरोधी भी हुई दाइजो नाई हो चाहें ये जौन कहा जाता कि गरीब बाल बच्चन के लिए पढ़ाई वास्तव में पढ़ाई इतना महंगा हो गई बा। सरकार से व्यवस्था निःशुल्क 12 तक कैले बा लेकिन जौन जो निम्न वर्ग बा गरीब वर्ग बा उके किताब कापी ओकर कपड़ा लत्ता ये सब भी महंग होले से नाते उ ना पढ़ा पावता। एक लिए भी सरकार के अच्छा योजना लायक चाहिए तब जा कर के गरीब लोग आगे बढ़ पाई हैं। जब तक योजना नहीं रही प्लान नहीं रही तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाई हैं। इसे हम पहले से कह ली कि सिस्टम बदले के पड़ी उस सिस्टम जब तक नहीं बदलाई तब तक गरीब गरीबे रही हैं। जौन धनी जौन बा हम शिक्षा के मामला में आप जुड़ल गए तो हम बहुत से मित्र राष्ट्र भारत में हम शिक्षा के मामला में बहुत जगह उत्तर आपके दिल्ली देहरादून आपके बेंगलोर सब कुछ हम सब जगह हम घूम बाटी। तो वास्तव में वो तो बड़े लोगन के है लेकिन गरीब लोगन के लिए वो जे देश के संचालन करता अभिभावक जेके कहल जाला ओकर जिम्मेवारी हो। उस जिम्मेवारी न लहले कारण आज गरीबी की रेखा मुनि जो दिन प्रतिदिन बढ़ाता उसे हम भी बहुत चिंतित बाटी कि देश कौन स्थिति में जाता। ऐसे आशा भरोसा रखल जा कि कैसों शताब्दी हो जौन कहल गए जिस दिन ये गरीब निमुखा के जनता के सामने सही के हो आज सही के खोजी में भी बा जनता कि ईमानदार सक्षम नेता के खोजी में बा लेकिन अब जनता भी जाग चुकल बा। आई दिन अब 21वीं शताब्दी हो समय नाई लागी ये जल्द ही एकर खोजी कह के देश आगे बढ़ी आशा भरोसा रखल जा। और जौन आप कहल गए कि जौन रेखा मुनि गरीबी की रेखा मुनि वास्तव में बहुत दयनीय स्थिति बा लेकिन एकर 21वीं शताब्दी के जनता हुई जब तक शिक्षा के ज्योति हर एक जनता के आँख में नहीं पड़ी लेकिन पहले के तुलना में देखा जा तो अब आज की स्थिति में जनता ज़्यादा शिक्षित हो गई बा समय नहीं लागे उसके प्रतीक्षा कर जा। हम यह कारण देखा थी और तो दूसरा कारण नहीं बा। और मेन जो हिसाब से अब बजटे में हम जो हिसाब से शिक्षा में बजट हो चाहिए अब सरकार के जौन चीज़ देश में आगे बढ़े चाहे वह में बजट न्यून रख दिया जा तो कहाँ जाए। ऐसे हमार सुझाव भी बा आते अंतिम में जो हमारे अब हाल ये जो संपन्न स्थानीय निर्वाचन संपन्न कह चुकल बाटी और हमारे अमले मध्य के जीतल गेल फिर भी अब नगर पालिका के अब मेयर कहल जा उपमेयर कहल जा गाँवपालिका के अध्यक्ष कहल जा उपाध्यक्ष कहल जा ते उस सबके अमूल्य मत दे के हमारे जीतल गए फिर भी हमन के मत के कदर पहले भी नहीं भेल अभी हो संभावना हमारे न्यून देखल जाता अब कितना हमारे रूपबंदी के हक में कहा जाते उपमेयर के हमारे देखल जाता कि अब अक्सर कह के कहीं भी अब ऐसने हमन के समाज के कौन मांग बाते कौन कार्यक्रम कैले पर हमन के समाज के जो विकृति विसंगति बा हट सके अब वो कार्यक्रम करे जगह में का करत बाटे कि अब छोट से कौन पार्टी में जात बाटे अब ओकर बाद में अपन फोटो शेयर करत बाटे ते फिर भी हमन के अवस्था वैसे ही आत बा। अब एक दिन हमन के श्रीलंका हो कह के
नहीं हो कि हमने के गति नहीं बा अब एकदम हमने के चल गिल बा यानी कि हमने के एकदम अवस्था एकदम नाजुक हो चुकल बा अति जो न अब हमारे जे के निर्वाचन में निर्वाचित कल गए ओखान के खातिर कौन संदेश देख चल जाता बहुत ही अच्छा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जौन उकल गए लेकिन अभिन जौन संविधान में जौन हो चाहे बहुत से संविधान में संशोधन भी कर आवश्यकता भी बा दूसरी बात जौन आप कहल गए अभिन बहुत से अधिकार जेके अधिकार कहल जाला उस केंद्रीकृत यानी संघ में ही निहित बा वो प्रदेश में ना आई वो कहल जाला प्रदेश में लेकिन आज भी कौनो चीज संविधान में तो देने बा व्यवस्था कि हर एक प्रदेश में अपन कार्य विधि बनावे अपन वो करे लेकिन ओकर बहुत से सुनल जात हो कि बहुत से केंद्रीकृत शासन प्रणाली को जैसे ये जो संहिता आयल बा तो हमारे हिसाब से ना मात्र के संहिता हो जब संहिता आ गल तो के पूर्ण अधिकार दिया जाए ओके करे का अधिकार दिया जाए जब तक वो अधिकार नहीं पाई तो कैसे आगे बढ़ी तो ऐसे जो केंद्रीकृत जो शासन प्रणाली वो कर अंत हो चाहे जो हिसाब से संविधान में वो के संघ के पूर्ण अधिकार संपन्न मिले के चाहे वो ना देखले को जैसे और जो कहा जाता कि जो आशा भरोसा तो हम सबके नहीं कह सकेला जैसे उदाहरण दिली ना काठमांडू वैसे न बहुत से गांव पालिका के भी मेयर लोग अच्छा अच्छा भी कार्य करते रहे कहीं कहीं के जो वास्तव में जहाँ खराब होला उके बहुत जल्दी ओकर नाम गन्हाला जो सही होला ओकर कम तो जो आपके एकदम संदर्भिक प्रश्न बा एक वजह से लेकिन हम शुरू से कहा चली आते जब सिस्टम बदल जाए ना तो अपने आप सब सुधार हो यह कारण हो हाँ तो ऐसे हमारे बातचीत करते विद्यालय समय हो गई बात आप अमूल्य समय दल गिल आपके हृदय से धन्यवाद देख चल जाता धन्यवाद बुद्ध टेलीविजन के संचालक यहाँ के संपूर्ण परिवार मित्र आज जो हमें एठू अपन विचार रखे के मौका दिया गए ओकरे लिए हम अपने व्यक्तिगत तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद दिया चाहते हैं तो ऐसे ने आज हमारे बात चल एक समाजसेवी विजय बहादुर सिंह थारू से मन लगे आज आके बातचीत करनी वहाँ ऐसे ने कार्यक्रम देखा गया बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन आपकी भी हृदय से धन्यवाद और हमारे कैमरा पर्सन शंकर होने के भी से धन्यवाद दी फिर से आज के अतिथि वहाँ के फिर से धन्यवाद दी हम संचालक राज विधायक साहब नमस्ते नमस्ते